होंडा टू व्हीलर्स ने रिसेंटली ही अपने स्कूटर के लाइनअप में एक और नया स्कूटर लॉन्च किया है, और अब आपका जो ये डियो 110 सीसी वाला होता था ये भी अब आपका 125 सीसी में आने लगा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये डियो 125 के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं, देखने में ये स्कूटर कैसा होता है और कितने वेरियंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शन के साथ ये डियो 125 आपको अवेलेबल कराया गया है। यही सारी की सारी बातें आज की वीडियो में आपसे करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे इस स्कूटर के लुक्स और डिज़ाइन या फिर इसकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में ही बात करूँ तो दोस्तों देखने में ये स्कूटर ऐसा ही है जैसा कि आपका डियो 125 भी होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करीब से देखते हैं तो फिर आपको छोटे मोटे चेंजेस दिखाई देंगे, या फिर अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे या फिर पेंट की फिनिशिंग देखेंगे तो फिर इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी बेहतर लगेगी और डिज़ाइन के मामले में आप छोटे मोटे चेंजेस को नोटिस करेंगे। बाकी अगर आप देखने के हिसाब से बात करते हैं तो फ्रंट से देखने में स्कूटर काफ़ी एग्रेसिव सा लग रहा है, काफ़ी शार्प सा इसका डिज़ाइन रखा गया, और जैसे कि इस सेगमेंट के और भी स्कूटर्स आते हैं जैसे कि TVS एंटोर का आता है या फिर सुजुकी का एवनिस आता है, कुछ कुछ वैसा सा ही ये स्कूटर भी आपको फ्रंट से देखने में लगेगा। और मेरे पास जो ये फिलहाल पर्टिकुलर 3D वाला वेरिएंट है ये आपको डुअल टोन में दे रखा है। फिलहाल जो ये पर्टिकुलर मेरे पास कलर है जो कि थोड़ा सा आपको सिल्वरिश ग्रेश से कुछ फिनिशिंग में दे रखा है, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और क्वालिटी के मामले में जितने भी आपके पैनल्स हैं जैसे कि फ्रंट के पैनल्स हो गए या फिर जो मड़गार्ड वगैरह हो गए सारे के सारे आपको प्लास्टिक के दे रखे हैं। साइड प्रोफाइल के मामले में थोड़े बहुत आपको कट्स वगैरह नजर आएंगे और क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ी डेलिकेट लग सकती है। बाकी अगर आप रियर से स्कूटर को देखते हैं या फिर साइड में जो रियर के पैनल्स होते हैं उनको देखते हैं तो यहाँ से भी देखने में स्कूटर काफ़ी शार्प रखा गया है, और ये जो पर्टिकुलर इसका कलर है ये देखने में काफ़ी क्लीन लग रहा है। जैसे कि इसमें आपके कुछ ग्राफिक्स वाले वेरिएंट आते हैं उनके मुकाबले ये जो क्लीन वाला कलर है ये मुझे देखने में थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसकी साइड प्रोफाइल के मामले में या फिर आप इसके रियर प्रोफाइल के मामले में इसको डियो 110 सीसी से कंपेयर करते हैं तो हालांकि इसकी थीम वैसी है लेकिन जो इसके पैनल्स हैं उनका डिज़ाइन अलग है, और ये आपको तभी पता चलता है जब आपके बराबर में 110 सीसी वाला भी खड़ा होता है, तो तब ये चीज़ें आप अच्छे से नोटिस करेंगे। बाकी अगर मैं ये टेल लैंप के डिज़ाइन के मामले में बात करूँ तो जो आपका 110 सीसी वाला होता है उसमें आपको काफ़ी बड़ा सा टेल लैंप दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पैनल आपको एक्स्ट्रा नज़र आएगा, तो मतलब कि ये छोटे मोटे चेंजेस आपको नज़र आएंगे। और जो ग्रैब हैंडल से ये भी आपको देखने में तो ऐसे ही लगेंगे जैसे कि आपके डियो 110 सीसी वाले की भी होते, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज कर रखा है और ये देखने में और थोड़े से ज़्यादा शार्प लग रहे हैं 125 सीसी वाले वेरियंट के। लाइट्स और इंडिकेटर्स के मामले में डियो 125 के आपके सभी वेरियंट्स में ऊपर आपको DRLs दिए जाते हैं, और जो आपके इंडिकेटर्स हैं टर्न इंडिकेटर्स हैं ये तो आपके हैलोजन बल्ब वाले ही हैं, लेकिन जो फ्रंट हेडलैम्प का सेटअप है ये पूरा का पूरा आपको LED में ही दे रखा है। लेकिन जैसे कि टेल लैंप का डिज़ाइन तो ये डियो 125 के लिए थोड़ा सा बदल दिया गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें भी आपको डियो 110 सीसी वाले की तरह ही हैलोजन बल्ब में ही पूरी रियर लाइट्स दे रखी हैं। व्हील सस्पेंशन टायर्स और ब्रेक्स के मामले में इसके फ्रंट में भी आपको 110 सीसी वाले वेरियंट की तरह ही 90x90 सेक्शन का 12 इंच का फ्रंट में टायर दे रखा है। और स्कूटर में आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इसका स्टैंडर्ड वाला वेरियंट लेते हैं तो फिर उसमें आपको ड्रम ब्रेक ही दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप डियो 125 का स्मार्ट की वाला खरीदते हैं तो फिर उसके फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं। बाकी सस्पेंशन के मामले में दोनों ही वेरिएंट के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं, और रियर के मामले में दोनों ही वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक ही दिए जाते हैं। और रियर व्हील के मामले में जैसे कि होंडा के सभी स्कूटर्स के रियर में आपको 90x100 सेक्शन का 10 इंच का ही टायर दिया जाता है, तो कुछ वैसा ही इसमें भी दे रखा है। रियर सस्पेंशन के मामले में इसमें आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए जाते हैं। सीट स्पेस कंफर्ट और कन्वीनियंस के मामले में ये स्कूटर मुझे डियो 110 से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। अगर मैं पहले रूम के मामले में ही बात करूं तो दोस्तों मुझे इसका लेग रूम 110 सीसी वाले स्कूटर से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और लेग रूम के मामले में मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, और सीट का जो शेप और साइज है वो भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। हालांकि 125 सीसी के सेगमेंट में इससे बेहतर और इससे बड़ी सीट वाले स्कूटर्स के ऑप्शन भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल है। बाकी अगर मैं आपसे कन्वीनियंस के मामले में बात करूं तो दोस्तों इसकी जो ये सीट है ये आपकी आगे से ही ओपन हो जाती है। आप इसका कोई सा भी वेरिएंट खरीदिए, आप ये स्मार्ट खरीदिए या फिर इसका जो बेसिक वाला वेरिएंट आता है वो खरीदिए, दोनों की ही सीट आपकी आगे से ओपन हो जाती है, और इसकी सीट के अंदर आपको ठीक ठाक ही स्पेस मिलने वाला है। स्पेस के मामले में बहुत ज़्यादा स्पेशियस तो मुझे इसकी सीट के अंदर बूट स्पेस नहीं लगा है। बाकी कन्वीनियंस के मामले में इसका जो ये आपका फ्यूल टैंक है ये भी आगे से ही ओपन हो जाएगा, जैसे कि फ़िलहाल मैंने ये ओपन किया है, और यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम है जैसे कि 110 सीसी वाले के साथ है ना, कि ये जो ढक्कन है ये थोड़ा सा नीचे ही दे रखा, तो ये प्रॉब्लम 110 सीसी वाले स्कूटर की तरह ही 125 सीसी के साथ भी फॉलो करती है, और इसकी क्वालिटी भी मुझे बस ऐसी लग रही है जो कि थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। फीचर्स और कंट्रोल्स के मामले में जैसे कि आज के टाइम में सभी स्कूटर मोटरसाइकिल में आपको कट ऑफ साइड स्टैंड दिया ही जाता है, तो दोस्तों इसमें आपको आज के टाइम में भी कोई भी कट ऑफ साइड स्टैंड जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, और 110 सीसी में तो आप अलग से भी नहीं लगवा सकते, लेकिन हाँ 125 सीसी वालों के साथ इन्होंने इतना कर दिया कि आप कुछ पैसे देकर के 800-1000 रुपये के आसपास देकर के वो अलग से सेंसर लगवा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री फिटेड आपको
कट ऑफ साइड स्टैंड जैसे फीचर्स नहीं दिए जा रहे हैं वहीं पर। अगर आप हैंडल बार्स की कंट्रोल देखते हैं तो लेफ्ट हैंडल पर आपको लगभग सारे कंट्रोल दे रखे हैं। लो बीम, हाई बीम, पास स्विच, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न का स्विच हो गया, काफ़ी बेसिक सी साउंड वाला हॉर्न दिया जाता है। और राइट हैंडल में इस स्कूटर में आपको किल स्विच की जगह ऑटो स्टार्ट ऑफ वाले फीचर्स दिए गए हैं। और यहाँ पर मुझे जो किल स्विच होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है कि आप मैनुअली अपने हिसाब से अपने स्कूटर को बंद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर्स तो ऐसे ही होते हैं कि कभी ये काम करते हैं कभी नहीं करते। और स्टार्ट करने के मामले में ये स्कूटर आपका साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में आप इसका कोई सा भी वेरिएंट खरीदिए, इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही दिया जाता है। दो दो डिस्प्ले आपको इसमें दे रखी है, जिसमें कि आपका स्पीडोमीटर हो गया, साइड में टैकोमीटर हो गया, बाकी अगर आप ये दूसरे वाले डिस्प्ले देखते हैं तो इसमें आपका ट्रिप मीटर आ रहा है, जिसको आप थोड़ा सा टोकल करेंगे तो आपका एवरेज फ्यूल कंजप्शन जैसी फीचर आ जाएगी कि आपका स्कूटर फिलहाल क्या माइलेज आपको दे रहा है। उसके बाद इसको आप थोड़ा सा और टोकल करते हैं तो इसमें आपकी रेंज आ जाएगी कि आपके स्कूटर में जो पेट्रोल बचा हुआ है उसमें आपका स्कूटर और कितने किलोमीटर चल जाएगा। और उसके बाद आपका मेन ऑडोमीटर हो गया और उसके बाद आपकी ट्रिप मीटर हो गया, इसमें आपको एक ही ट्रिप मीटर दे रखा है। और उसके नीचे आपका ठीक ठाक साइज का फ्यूल गेज हो गया। तो दोस्तों मतलब कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो इसमें दे रखा है, लेकिन जैसे कि आप आज के टाइम में देखेंगे कि सभी स्कूटर्स में आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप हीरो का स्कूटर ले लो, सुजुकी का ले लो, या फिर यामाहा का ले लो, या फिर टीवीएस का ले लो, उनमें आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए जाते हैं। लेकिन होंडा स्कूटर्स आज भी फीचर्स के मामले में काफ़ी पीछे हैं। होंडा के किसी भी स्कूटर में आपको अभी तक भी कोई भी ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स अवेलेबल नहीं कराए गए हैं। और बाकी और स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के मामले में मैं पहले आपसे इसकी सीट हाइट के मामले में ही बात करूँ, तो दोस्तों इसकी सीट हाइट मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता और वेबसाइट पर भी मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मैं अपने अंदाजे से कह सकता हूँ कि इसकी सीट हाइट ये कोई 770-780 mm के आसपास ही होगी। मतलब कि सीट हाइट के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इस स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपका 171 mm के आसपास है। मतलब कि आप कैसे भी रास्तों पर चलाइए, ये स्कूटर जल्दी से आपका टच नहीं होने वाला है। ओवरऑल कर्व वेट के मामले में इस स्कूटर का कर्व वेट 104 किलो ही है, और इतना कर्व वेट मैं आपको कम ही बोलूँगा, मतलब कि कोई भी ज़्यादा हैवी ये स्कूटर नहीं है। जैसे कि अगर आप एंट्रोक से कंपेयर करेंगे तो उसके मुकाबले तो ये स्कूटर आपका काफ़ी हल्का है, और सुजुकी एवनिस के मुकाबले भी ये स्कूटर आपका हल्का ही है, 4-5 किलो तक हल्का ही है। लेकिन अगर आप इसको यामाहा रेजेड आर से कंपेयर करते हैं तो दोस्तों उससे ये स्कूटर आपका 4-5 किलो भारी हो जाता है। इंजन के मामले में इसमें आपको वही 125cc वाला इंजन दे रखा है, जो कि एक्टिवा 125 में भी आता है। और ये स्कूटर आपकी कोई 8 bhp के आसपास की पावर और लगभग 10.5 Nm के आसपास का टॉर्क निकालता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इसका एच स्मार्ट वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो फिर इसमें आपको कोई भी किक नहीं दी जाती है। वहीं पर अगर आप इसका रेगुलर वेरिएंट खरीदते हैं जिसमें कि आपको कन्वेंशनल वाला ही आपको की स्विच दिया जाता है, तो फिर दोस्तों उस वाले वेरिएंट में आपको अभी भी किक दी जा रही है। और वेरिएंट्स, प्राइस और कलर ऑप्शंस के मामले में होंडा डियो 125 में आपके दो वेरिएंट्स आते हैं। पहला इसमें आपका ड्रम ब्रेक और आपका स्टैंडर्ड की वाला हो गया, जिसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब आपकी 83,400 rupees के आसपास है। और ये ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट आपका यही कोई 97,000-98,000 rupees तक ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसके बाद इसमें दूसरा वेरिएंट आपका स्मार्ट की वाला आता है, जिसमें कि आपको कन्वेंशनल की स्विच की जगह स्मार्ट की दी जाती है। और उसके साथ साथ इस वेरिएंट में आपको डिस्क ब्रेक भी दिए जाते हैं, और ये स्मार्ट की और डिस्क ब्रेक के लिए आपको और 8,000 rupees ज्यादा देने होंगे, क्योंकि इसकी दिल्ली एक्सशोरूम की मतलब 91,300 के आसपास रखी गई है। और ये वाला वेरिएंट आपका 1,06,000-1,07,000 rupees तक ऑन रोड पड़ जाएगा। और कलर ऑप्शंस के मामले में इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको स्पोर्ट्स रेड, नाइस्टर ब्लैक, मैट मार्बल ब्लू, ये तीन कलर ऑप्शंस तो आपको ग्राफिक्स के साथ दिए जाते हैं। इसके अलावा शेरन ब्लू, संग्रिया रेड, डीप ग्राउंड ग्रे, मैटे एक्सेस ग्रे, ये चार कलर ऑप्शंस बिना किसी ग्राफिक्स के अवेलेबल कराए गए हैं, और मुझे पर्सनली बिना ग्राफिक्स वाले कलर्स देखने में ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। तो दोस्तों यही सब था ये डियो 125 के बारे में। और अब ये स्कूटर आपको कैसा लग रहा है, इस पर आपके क्या विचार है, या अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछिए। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्द से जल्द आपके कमेंटों का रिप्लाई दे दूं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।